मुनव्वर फारूकी को जीत का जश्न मनाना पड़ा भारी। फैंस के खिलाफ दर्ज हुई FIR। डोंगरी पुलिस ने एक ड्रोन ऑपरेटर के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज की है, जो बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी की जीत की तस्वीरें खींच रहा था। बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर मुंबई के डोंगरी गए, जहां फैंस की भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है, जिसमें मुनव्वर अपनी कार की सनरूफ पर खड़े होकर अपनी ट्रॉफी उठाते नजर आ रहे हैं। उसी रिपोर्ट के अनुसार मुनव्वर फारूकी के फैन, जिसकी पहचान अरबाज यूसुफ खान 26 वर्ष के रूप में हुई है, को सबसे पहले PSI तौसीफ मुल्ला के साथ गश्त कर कांस्टेबल नितिन शिंदे ने देखा था। पुलिस कांस्टेबल ने ड्रोन ऑपरेटर से संपर्क करने के बाद पुलिस स्टेशन को सूचित किया, जिसके पास मुंबई के डोंगरी में उत्सव के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। ये भी खबर है कि ड्रोन कैमरे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विजेता बने हैं। मुंबई के डोंगरी में उनके हजारों फैंस ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। एक वीडियो में वो अपनी कार का सनरूफ खोलकर वहां खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी कार के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई। उन्होंने अपनी बिग बॉस ट्रॉफी की झलक दिखाई और उसे उठाते नजर आए। रियलिटी शो विजेता ने भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इशारा किया। उनके फैंस चिल्लाए, उनसे हाथ मिलाने, तस्वीरें खींचने और उनका स्वागत करने की कोशिश की। मुनव्वर ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले मुनव्वर ने बिग बॉस 17 के होस्ट सलमान खान के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। सलमान के साथ पोस्ट साझा करते हुए मुनव्वर ने लिखा था, बहुत बहुत शुक्रिया जनता, आपके प्यार और समर्थन के लिए आखिरकार ट्रॉफी डोंगरी आ ही गई। उन्होंने ये भी कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए बड़े भाई बीइंग सलमान खान सर को विशेष धन्यवाद, हमने ये किया है।